इधर आजा, जल्दी आजा इधर, कुछ नहीं करना छेड़छाड़, चलो अंदर चलो, सीधा सीधा अंदर, ज्यादा टाइम पास नहीं करना मेरे सामने। चलो जी, फर्नीचर की रोशनी बंद, मोटा खर्चा हो गया। ये हमने दीवार तोड़वा दी बीच में से, टोटल 80 लाइट्स लगवा रहे हम, सोचो 80 लाइट्स, इसी से 60 का ऑर्डर दे दिया, पेमेंट हो गई है। इधर आजा, जल्दी आजा इधर, कुछ नहीं करना छेड़छाड़, चलो अंदर चलो, सीधा सीधा अंदर, ज्यादा टाइम पास नहीं करना मेरे सामने। तो ये जो मैट थे भाई, लगभग सूख चुके हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी नहीं है, हो ही गए। अरे यार ब्रूनो, तू प्लीज यार अंदर आजा, चल। तो ये सारे पार्ट अंदर रखवाने, ठीक है, क्योंकि बाहर ना मिट्टी लग जाएगी, और दिवाली पे वैसी काफी स्काई शॉट्स वगैरह जो उड़ते रहते हैं उनका गर्दा वर्दा आता रहता है, नहीं तो अच्छे से सूख तो गए हैं पूरे, इनको अंदर रखेंगे, ठीक है पार्ट, फिर हाँ ब्रूनो को हटा देंगे। ये तो अपने लंबे वाली टाइल्स है सारी, यहाँ पे अपने ये स्क्वायर वाले, ये नहीं सूखे लग रहे, हाँ यार ये नहीं सूखे, इनको ना फैलाना पड़ेगा अच्छे से, तभी सूखेंगे वो, तो क्योंकि सूख गए बिल्कुल मस्त। चल भाई पार्ट, काम पे लग जा, ब्रूनो हट जाएगा, तू काम पे लग जा, तेरे को दुबई से बुलाया, इसी काम के लिए बुलाया, समझ गया। अच्छे से देख, पीछे के सूख गए पूरे, नहीं सूखे तो फैलाई से। पार्थ और मैंने मिलके काफी हद तक जो है बिछाना शुरू कर दिया है, दो वहाँ पे लाइन खत्म हो गई, ये खत्म हो जाएगी, और जितना वहाँ तक जाएगा वो गीले वाले पोर्शन को छोड़ के वहाँ तक फैला देंगे, ठीक है पार्थ, ताकि आज में इतनी टाइलें सूख जाए, कल इनको उठा के अंदर कर देंगे, फिर जो बची कुची है उनको बिछा देंगे। अभी दो दिन से पड़ी हुई है, सूख तो रही नहीं है, थकान हो गई भाई साहब, सांस चढ़ने लगी कर करके, थकान हो रही है ना, है ना, नौटंकी देखो, दे दे नौटंकी। दो दिन से वैसे भी सूख नहीं रही थी, अब एक एक दिन में सूख जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, जब तक वहाँ पे ऑफिस पूरा रेडी होगा तब तक ये कारपेट सूख चुकी होगी, फिर एंड में जाके वहाँ इंस्टॉल करवा लेंगे। वैसे सही है यार डील, 300 रुपए की एक टाइल आती है, अपने को 30-35 रुपए में मिल गई, अपना क्लीनिंग व्लीनिंग करवा के 40 रुपए में आप समझ लो एक टाइल हमें साफ सुथरी है, देखो ऐसे लग नहीं रहा ना पुरानी है, बिल्कुल नई नई सी लग रही है, अभी अच्छे से जब फिटिंग होगी ना वहाँ तब निकल के आएगी। चलो जी, जितनी बिछ सकती थी बिछा दी है, ये पूरा ढेर खत्म कर दिया, अब ये ढेर बचा, वो बचा, और तीसरा वो, और थोड़े से वहाँ पे बचे, बाकी देखो पूरा, हाँ ब्रूनो करेगा। चलो ठीक है, अभी आज ये सूखने देते हैं, कल बिछा देंगे बचे हुए। चल भाई पार, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। लो जी, यहाँ का भी काम पूरा जोरों शोरों से चल रहा है, एक पार्टीशन की कवर ऑलरेडी हो चुकी है, अब इसके बीच में ना ग्लास वूल आएगी, एक ये रुई टाइप का मटेरियल होता है इसके अंदर, तो यहाँ पर वो भर जाएगा, फिर इसी तरह का बोर्ड एक और ऊपर से लग के ये पूरी दीवार कवर हो जाएगी। इस ग्लास वूल से ना फायदा ये है, साउंड प्रूफिंग बहुत तगड़ी हो जाती है, इधर की आवाज उधर नहीं जाएगी, उधर की इधर नहीं आएगी, साथ में एको भी बहुत कम होगी। ये हमने दीवार तोड़वा दी बीच में से, यहाँ पे गेट लगेगा, और वहाँ वाली भी टूट गई है भाई साहब, रात के 8 बज गए हैं, बीच में मैं 2-2.5 घंटे के लिए सो गया था यहीं ऑफिस में, इतनी तगड़ी वाली नींद आ रही थी, और कैमरा का काम हो गया आज, बाकी पार्टीशन इलेक्ट्रीशियन का तो चलता रहेगा, एक फाइनल कैमरा जो है वहाँ पे लगना है, बाकी यहाँ से अंदर जाके इधर इधर के लगी गए, यहाँ पे रैक और LCD लगेगा। सही में बहुत नींद सी आ रही थी मेरे को, तो अच्छा हुआ 2-2.5 घंटे सो गया, फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। और ऑफिस की हालत देखो, क्या कबाड़ा मचा रखा है, ये सब अभी साफ हो जाएगा जब काम वाम कम्प्लीट हो जाएगा ना, पेंट वेंट मस्त उठेगा अपना ऑफिस। और ब्लॉग में यार यही चल रहा है लाइफ में, ऑफिस ही शिफ्टिंग कर रहे हैं ढंग से, अच्छे से बनवा रहे हैं, तो यही ब्लॉग दिखा रहे हैं, और कुछ हो ही नहीं रहा। कल शायद से सुबह बाहर के चक्कर लगे, कुछ और काम भी हो, ऑफिस ना आऊँ मैं यहाँ पे, वो जो काम है वो करते रहेंगे बैकएंड में अपना, तो देखी जाएगी। हाँ भाई, भाई साहब लो जी, आखिरी का ही काम चल रहा है बस, कैमरा का, यहाँ पे माउंट वाउंट रैक जो भी लगना है वो सब लग के फिर काम डन आज का। हम चलते भाई घर, सुबह से यहीं पड़ा हूँ, कुछ नहीं करा, और इसके अलावा थोड़ा बहुत काम करने के लिए अपना मैं लैपटॉप तो भैया साथ ही लेकर चलता हूँ, ताकि काम रुके ना, बस जो इम्पोर्टेंट चीजें है वो होती रहे टाइम। तो ऑफिस से आ गया हूँ भाई, काफी हद तक काम जो है अपना जल्दी निपट रहा है। अभी मम्मी की डिमांड है कि नया सोफा लेना है, बताओ क्यों लेना है, यहाँ पे है नहीं सोफा है। तो लिया तो है, हमारे पास तो सोफा है ऑलरेडी। अच्छा, तो सोफे पे तुमने सुलाना है सबको, देखना 3 सीटर ये, 3 वो 6 यहाँ पर भी है, फिर नॉर्मल 2 वो यहाँ भी लग जाते, इतना सेट है। अब मम्मी क्या कह रही है, यहाँ के लिए एक सोफा और यहाँ के लिए एक सोफा, मतलब 2 ये 2 वो, टोटल 4 सोफे रखने हैं। चलो अब लेने चलते हैं। और एक क्या देखा था तुमने, सोफा टू बेड। अच्छा, सोफा कम बेड आता है ना, तो मम्मी वाले रूम के लिए एक सोफा कम बेड है, दिन में सोफा बना देंगे, रात को उसे खोल खाल के बेड बन जाएगा वो, तो वो भी यूज हो जाएगा। बाकी मुझे अपने नए ऑफिस के लिए थोड़ा बहुत फर्नीचर देखना है, तो इसलिए सदर बाजार गुड़गांव चलते हैं, वहाँ पे फर्नीचर मार्केट है, हालांकि भीड़ बहुत होगी दिवाली सीजन की वजह से, बट कोई नहीं भैया, अब लेना है तो चलो। रोड पर यार दिवाली वाली फील ही नहीं आ रही, मतलब कहीं कहीं जगहों पे बस लड़ियां लगी हुई है, उसके अलावा ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब परसों दिवाली है, बताओ। ये वाला तो हम सोच रहे हैं ऑफिस ऊपर जहाँ पे स्टूडियो बन रहे हैं ना, उसका वेटिंग एरिया है, वहाँ पर लगा लेंगे ऐसे 2, तो अभी ये कलर तो अच्छा नहीं है, दूसरा करवाएंगे ग्रे या फिर ब्लैक। और मम्मी लेने आई है घर के लिए अपने सोफा कम बेड। चलो फर्नीचर शॉपिंग हो रही है अभी, आजा आजा, वेड़े दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ेगा मस्त है। और कौन बोला, कौन बोला,
भाई तुम्हें जो रखना अपना रखो, मेरे को तो पसंद नहीं आ रहा कुछ भी। अभी तुम कहोगे पिंक अच्छा है ना, पिंक रख लेते हैं। बस मेरे को पता था तुम्हारा तो भैया चॉइस ही तुम्हारी अनोखी है। तुम पहले सोफा कम बेड देखो अपना जो है, फिर देखेंगे बाद में। इशू और उन्होंने अपने न्यू फ्लैट के लिए ये वाला एग्जैक्ट यही सेट लिया, पूरा छोटा करवाया थोड़ा। सही है, ये भी अच्छा लग रहा है ऑफिस के लिए, थोड़ा नॉर्मल सा। ऑफिस वाला तो हम बाद में फाइनल करेंगे एक बार जब इंटीरियर का काम हो जाएगा। अभी मम्मी ये कलर लोगे ले लो भैया, ये कह रहा था मैं इस टाइप का, ये फैब्रिक है ना तो ये भी तो ऑफिस में चल जाएगा। अच्छा इतना यही चाहिए अगर, तो इतना ये भी तो मिल जाएगा, मिल जाएगा है ना, मिलने को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थ्री सीट ऐसे कपड़ा फाइबर ना मिलता है ना। हाँ, तो दो चेयर रुकी रह जाएगी। अच्छा हाँ, तो पूरा थ्री सीटर बन जाएगा आप करने जैसा कलर को। हाँ, ऐसा बन जाएगा ना पूरा हमारा। ये कितने का पड़ेगा अपने को अंदाजन? ये लगभग 25,000 का पूरा सेट है लगभग। सेट वो उसके साथ है सेट, ये लेंगे 15-16 के आसपास आएगा। सही लग रहा है, ये ऐसा ही लूंगा ऊपर के लिए, दो ना मस्त, इसमें लेट भी सकता है बंदा अपना, सो सकता है। अब तुम कलर कौन सा ले रहे हो? पक्का फाइनल है? बेड का भी ऐसे है ना। कितना ये, कितने फीट खुलता है ये पूरा? 6 फुट लंबा। वो वाला खोल दो, वो खुल जाएगा। ये कलर नहीं अच्छा लग रहा? ये अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, तुम्हारा इस कलर का बेड है ना, ये देखो भाई इस तरह से। और ये गद्दा कैसे फोल्ड होगा तुम देख लो भाई, कलर मुझे मत कहना बाद में। हाँ ठीक है, मेरे को तो वो भी अच्छा लग रहा है वैसे, पर तुम्हारे कमरे में बेड ऐसे है तो यही सीट वाले। हाँ मम्मी को ये वाला सेट पसंद आ रहा है एक, इसका भी कुछ देखते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग सोफा है उसी का कलर चेंज, इसका कलर चेंज करवा देंगे उस कपड़े में, बाकी डिजाइन यही रहेगा। तो ये भी रेट पूछते हैं, ये पसंद आया है मुझे, उधर वो पसंद आया, और एक सोफा कम बेड तो फाइनल है यार। चलो जी फर्नीचर की शॉपिंग डन, मोटा खर्चा हो गया। जोगी का पार्थ देगा ठीक है, पैसे तू देगा पैसे। एक ये मंदिर भी पसंद आ गया मम्मी को, तो ये भी शायद से फाइनल हो जाएगा, नाप लेंगे। चलो जी घर आ गए सामान लेके, और ये देखो भाई पटाखे ही पटाखे, फार्थ दिवाली में पूरा कट्टा भर के भाई, बहुत महंगे हो गए पटाखे। चलो जी चलो जी चलो, वो संभाल के रखना, फूक वाले बम फट जाएंगे है ना, तगड़े खतरनाक, देख रहे हो उठाए भी नहीं जा रहे इतने भारी पटाखे। बाकी मिठाई विठाई आई है जो भी है, चलो हाँ निकालनी है। तो अभी ऑफिस जाना है मुझे भैया, वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत डिले हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा। बताओ आती चप्पल ले गया मेरी, शर्म नाम की चीज ही नहीं है, ले लेगी भी। और ये हमने मंगवाए हुए हैं जी कैडबरी सेलिब्रेशन के डब्बे अपने सब लोगों के लिए नीचे। ये आज भाई लास्ट डे है, कल फिर संडे है, मंडे को भी छुट्टी है दिवाली की, तो ट्यूजडे को भी छुट्टी है, वेडनेसडे की भी छुट्टी है, नहीं वेडनेसडे की नहीं है, ट्यूजडे तक ही है शायद, हाँ वेडनेसडे भी है, तो इसलिए आज ही दे देते हैं सबको, चल के नीचे रोक के रखा हुआ मैंने। तो ये भैया अगले एक हफ्ते के सारे शूट वूट हमने निपटा लिए हैं, और एडिट करके शेड्यूल कर देंगे, क्योंकि टीम अब छुट्टी पे रहेगी अगले 4-5 दिन। तो भाई पसंद तो वहाँ पे सब कुछ कर लिया था, लेकिन मंदिर के अलावा कुछ भी स्टॉक में ही नहीं था, वो जो भी पीस पड़े थे किसी और के ऑर्डर के थे, तो वो कह रहे अब जो भी बनेंगे ना दिवाली के बाद ही बन पाएंगे, क्योंकि अब लेबर सारी छुट्टी पे जाने वाली है, और फिर वो आके ही रेडी कर पाएंगे। तो फिर मम्मी तो वैसे काफ़ी वो हो गई थी कि नहीं अभी चाहिए, बट अब कोई रास्ता ही नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, दिवाली के बाद भिजवा देना। बाकी मंदिर अगर फाइनल हो जाएगा आज, स्पेस वेस नाप लूंगा मैं, तो वो ऑर्डर कर देंगे कल में, वो आ जाएगा, बट सोफे सारे दिवाली के बाद। अभी भाई कुछ इलेक्ट्रीशियन का सामान लेने आया है, क्योंकि कल संडे है, मार्केट बंद रहेगी। और भाई साहब सदर बाजार की हालत देखो गुड़गांव में, क्या खतरनाक हुई। अभी बीच में वीडियो आई थी दिल्ली वाले सदर बाजार की, उसमें तो और खच्चर हालत हो रही थी, यहाँ भी देखना भीड़ कितनी है, 8:30 हो रहे हैं जबकि हुए थे, गजब ऐसी फील आ रही है, पूरा गुड़गांव इसी एरिया में आके बस गया अचानक से। यहाँ पे सारी इलेक्ट्रीशियन की दुकानें हैं आसपास, बट भाई देखना भीड़, मुझे लग नहीं रहा दुकान वाला कोई सुनेगा भी अंदर। चलो भाई स्कूटी की पार्किंग तो मिल गई किसी तरह से, 9:30 बज गए और अभी तक जाम खत्म नहीं हुआ। हमने सामान सारा ले लिया, कल डिलीवर हो जाएगा लाइट वाइट। यहाँ पे आ गए हम पाव भाजी खाने। हम घर आए भाई साहब, इतने में रिक्शे वाले भैया सारा सामान भी ले आए हैं, जैसे कि मैंने बताया तार वार पाइप वाइप तो ले आए हैं, जो हमारे 60 LED पैनल लगने ना 2x2 के छत पे, मतलब टोटल 80 लाइट्स लगवा रहे हैं हम, सोचो 80 लाइट्स, जिसमें से 60 का ऑर्डर दे दिया, पेमेंट हो गई है, कल वो 3 बजे जो है हमारे ऑफिस में डायरेक्ट भिजवा देंगे, तो मस्त काम हो गया। वैसे यार ये तो है, जितना सोचो ना ऑफिस वगैरह या घर बनाने में, उससे डबल ट्रिपल पैसा लग जाता है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। छोटी छोटी चीजें इतनी जब इकट्ठी लाई जाती है ना, तब पता चलता है 1,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए, 3,00,000 रुपए, ये तो कहाँ उड़ गए पता ही नहीं चला, तो बहुत हो रहा है ऐसे। बट ठीक है कोई नहीं, एक बार ऑफिस बनाना तगड़ा सा बना देंगे। बाकी सारे ब्लॉग के लिए इतने रखते हैं भाई, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीका।